सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रोफेशन, दैट इज अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा डाउट बड़ा खास और बड़ा अच्छा भी डाउट है, क्योंकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 है हमारा, कौन सा, योर डाउट्स आवर सोल्यूशन, यानी हमारे सोल्यूशन। आज लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर पर 4 में हम छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर कर चुके हैं। आज एक कॉमन जो डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास आया कि सर साइक्लिसिटी याद नहीं रहती, कि किस नंबर की साइक्लिसिटी कितने, वो याद करवाओ तो माने। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज की क्लास में आपको साइक्लिसिटी भी याद हो जाएगी, ठीक है। चलो, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि जब आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, कि 2 रेस पर इतना, 2 रेस पर इतना, 3 रेस पर इतना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, समझ आई बात। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए थोड़ा सा आपको ठहराव लाना पड़ेगा और कॉपी पेन थोड़ा साइड रख के थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कहाँ पे डाउट भेजने हैं, नंबर है 9517771651, यहाँ पे अपने डाउट्स भेजिए, यहाँ पे अपने डाउट्स भेजिए और जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, तब कि आपको सोल्यूशन मिलेंगे वीडियो में जैसे ये मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली बात व्हाट इज साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी होता क्या है सबसे पहली बात, और यूज कहां पे होता है। बेसिकली साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट है हमारे नंबर सिस्टम का। जब हम यूनिट डिजिट बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, जब हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की बात करते हैं ना, तब हमारे पास साइक्लिसिटी का जिक्र आता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ी जगह पे काम भी आता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं किस नंबर की साइक्लिसिटी क्या है, फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे और एंड में देखेंगे कैसे इसे हम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले, और 2 रेस्ट पावर 10 तक तो एटलीस्ट आपको सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए। कैसे, देखो 2 की पावर 1 कितना होता है मेरे पास, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है मेरे पास, 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 2 रेस्ट पावर 7 128, 2 रेस्ट पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 2 रेस्ट पावर 9 कितना होगा मेरे पास, 512, और 2 की पावर 10 कितना होगा मेरे पास, 1024। अब ध्यान से सुनो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 बताइए, यानी 2 का यूनिट डिजिट रिपीट कब करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, यहां पे 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16। 16 को भूल जाओ, मतलब आपने क्या याद रखना है, इस 2 को, इस 4 को, इस 8 को और इस 6 को। अगला 2 कब आ रहा है, 2 की पावर 5 पे। अगला 4 कब आ रहा है, 2 की पावर 6 पे। अगला 8 कब आ रहा है, 2 की पावर 7 पे। अगला 6 कब आ रहा है, 2 की पावर 8 पे। अब इसको जरा को लिंक करने की कोशिश करो, यानी जब मेरी 2 की पावर 1 थी और 2 की पावर 5 थी, तो क्या दोनों का यूनिट डिजिट मेरे पास 2 था, यस। जब मेरी 2 की पावर 2 थी और जब मेरी 2 की पावर 6 थी, तो क्या दोनों का यूनिट डिजिट 4 था, यस। जब मेरी 2 की पावर 3 थी और जब भी मेरी 2 की पावर 7 थी, क्या दोनों का यूनिट डिजिट 8 था, यस, क्लियर। क्या जब मेरी 2 की पावर 4 थी और 2 की पावर 8 थी, क्या दोनों का यूनिट डिजिट 6 था, यस। इसका मतलब यूनिट डिजिट अपने आपको कब रिपीट कर रहा है, 2, 4, 8, 6 से कब रिपीट कर रहे हैं, आफ्टर एवरी 4th टर्म, यानी क्या हर 4 जोड़ दूं, +4 और +4। इसका मतलब यहां से मुझे क्या पता चला कि 2 की साइक्लिसिटी मेरे पास 4 है, याद रखो। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज हाउ मच, 4, समझ आ गई बात, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज हाउ मच, 4। इसी तरीके से मैं आगे देखूंगा, होपफुली ये चीज क्लियर होगी, मैं बिठाऊंगा, ठीक है, फिर एंड पे हम कंपेयर भी करेंगे। तो साइक्लिसिटी बहुत इजी है रिमेंबर करना, बट पहले समझिए, शॉर्टकट तो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, मैं अगर 3 की पावर 1 की बात करूं स्टूडेंट, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 81,
की पावर फोर, ओ 27 एंड सॉरी 27 एंड 81। थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फाइव कितना होगा मेरे पास, देखो इसको करो 243। थ्री की पावर सिक्स कितना होगा मेरे पास, 729। क्लियर, थ्री की पावर सेवन कितना होगा मेरे पास, 2187 होगा। और थ्री की पावर एट कितना होगा, 6561 होगा। क्या यही होगा, यही टर्म्स होने चाहिए, बिल्कुल यही टर्म्स होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए जरा क्या आप, अब देखो जरा तीन की बारी में देखो जरा, अगर मैं साइक्लिसिटी चेक करना चाहूँ यूनिट डिजिट क्या क्या बन रहा है मेरे पास, यूनिट डिजिट तीन, तीन कलर चेंज कर रहे ताकि अच्छा दिखे हमें, तीन तीन, नौ नौ, सात सात, और एक और एक। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, साइक्लिसिटी ऑफ थ्री भी कितनी होती है मेरे पास, चार होती है ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ थ्री भी क्या होगी, चार होगी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं चार की बात करूं, फोर की पावर वन फोर, फोर की पावर टू सिक्सटीन होता है, फोर की पावर थ्री कितना होता है, 64 होता है, फोर की पावर फोर कितना होता है मेरे पास, 256। तो फोर मेरे पास आ गया, देखो फोर की पावर वन फोर, फोर की पावर थ्री फिर फोर, फोर की पावर टू सिक्स, फोर की पावर फोर फिर सिक्स। तो यहाँ से क्या पता चला, साइक्लिसिटी ऑफ फोर इज हाउ मच, टू। क्लियर होगी बात ये तीन पहले जो नंबर है दो तीन चार की साइक्लिसिटी मुझे पता चल चुकी, चार चार एंड दो। अब पाँच की बात कर लो, देखो बिल्कुल सिंपल है, पाँच की पावर एक पाँच, पाँच की पावर दो कितना हो गया, 25 फिर 125। तो पाँच की कोई साइक्लिसिटी नहीं, तो मैं उसको लिखूंगा अभी। छः की बात कर लेते हैं ज़रा, छः कम छः हो गया 36, 216। तो छः की भी कोई साइक्लिसिटी नहीं है। पाँच और छः की बारी में क्या हो रहा है, वही नंबर अपने आपको यूनिट डिजिट बार 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 रिपीट कर रहे हैं। तो क्यों इनको याद रखें जब है ही नहीं मेरे पास, 216 फिर 6 आएगा फिर 6 आएगा फिर 6 आएगा, ठीक है। चलो साइक्लिसिटी ऑफ सात की बात कर लेते हैं, चलिए देखो सात एकम सात हो गया, सात का स्क्वायर 49 हो गया, सात का 343 हो गया, सात की पावर 49 का स्क्वायर कितना होगा, 2401। अगेन जब आप सात की पावर, अगेन जब आप सात की पावर पांच निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको एक को सात से मल्टीप्लाई करने में सात आएगा, सात की पावर छः कितना आएगा, सात गुना सात नौ आएगा, सात की पावर सात कितना आएगा, सात गुना नौ तीन आएगा, सात की पावर आठ कितना आएगा, फिर सात से इक्कीस यानी एक आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है होपफुली, कि जब मैं सात के बारे में गया तो साइक्लिसिटी ऑफ सेवन भी कितना है मेरे पास, चार। साइक्लिसिटी ऑफ सेवन कितना आ गया मेरे पास, चार। आठ की बात कर लें, आठ की बात कर लें, वो मिटा देता हूँ, होपफुली दो वाला आपने लिख लिया होगा। दो की पावर दस तक तो आपका एटलीस्ट याद होना चाहिए, बहुत बार पे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है वैल्यूज, ठीक है। जब आप सिंपलीफिकेशन करते हैं तब भी वो दो बार दो टू रेस बार टेन तक की वैल्यूज की बार पूछ रहे थे आपसे, ठीक है। आठ की बात करें, देखो आठ एकम आठ, आठ का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, आठ का क्यूब कितना हो गया, 512। एट रेस बार फोर यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4096, ठीक है जी 4096 आ गया, 8 में 40 12 8 96। अगर मैं 8 रेस पर 5 करता हूँ, देखो 8 रेस पर 5 करता हूँ, फिर इसको 8 से गुना करो, 8 6 48 फिर 8 आएगा एंड में, 8 रेस पर 6 8 गुना 8 4 64
8^7 832 यानी 2, 8^8 यानी कितना, 8 × 2 = 16 यानी 6। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चला साइक्लिसिटी ऑफ एटीपी कितनी आ गई मेरे पास, 4। लिख लेते हैं इसको, साइक्लिसिटी ऑफ 8 = 4। अभी याद नहीं करना, कहीं याद करने लग जाओ कि भैया मुझे तो याद करना, बिल्कुल याद नहीं करना। अभिमन्यु आयस पे सनी सर के साथ जुड़े हो ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, अभी याद करवाऊंगा। जिस बच्चे का डाउट है उसे कमेंट जरूर करना। हाँ जी सर, समझ आ गया, ठीक है। चलो 9 की बात करते हैं जरा। 9 × 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 9^4 कितना होता है, 6561। 3 के बारे में देखा था कुछ ऐसा सीक्वेंस हमने, ठीक है। देखो 9^1 और 9^3, 9 आ रहा है, यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या बनी मेरे पास, 2 4 1 1, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 9 कितना आ गया मेरे पास, 2, ठीक है। अब हम फाइनल रिजल्ट पे आने वाले हैं कि फाइंड आउट कैसे करें कि कैसे किसकी साइक्लिसिटी कैसे हो। ऑन द स्पॉट कैसे याद आएगा सर, बार बार लिख के थोड़ा देखेंगे, बच्चे ने यही पूछा। मैं कहा आसान तो है, याद रखो। बच्चे का आंसर यही था कि सर बार बार मैं 2^2 को थोड़ा लिख के देख सकता हूँ, नहीं याद रही मुझे, तो मुझे डायरेक्टली साइक्लिसिटी कैसे दिमाग में बैठेगी वो बताओ। देखो अब ध्यान से सुनेगा, अगर मेरे पास जैसे मेरे पास 2 नंबर है, 4 और 9, क्या दोनों के दोनों स्केयर वैल्यूज हैं, यस। ये किसका स्केयर है, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 2। डिटो याद रख लो, जिंदगी भर अगर साइक्लिसिटी भूल जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास कौन कौन से नंबर बचे, मेरे पास 2 बचा, 3 बचा, 8 बचा और 7 बचा। अब कहोगे सर ऐसे ही क्यों लिखा आपने, देखो टोटल जितने भी नंबर है 5 और 6 की कोई साइक्लिसिटी नहीं, 0 और 1 छोड़ दो, कितने बचे फिर, यही 6 नंबर बचे मेरे पास, 2 2 4 तो 6। अब इनमें से भी 2 नंबर को मैंने कैसे इलिमिनेट करवाया कि ये स्केयर वैल्यूज हैं, हटा दो इन्हें, कि दीज आर माई स्केयर नंबर्स, इन्हें हटा दीजिए, हट गए वैल्यू। बट अब तो 2 वैल्यूज बची हैं इनका, कैसे 4 नंबर्स बचे, इनको कैसे लेके चलूं कि ये है मेरे पास, सोचो। मैंने लिख दिया, देखो करके कुछ पता चल रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका सम कितना मिल रहा है, 2+8 = 10, 3+8, जिन नंबर का सम 10 बन गया उनकी साइक्लिसिटी कितनी, 4, दैट्स इट। याद हो गया, बिल्कुल आसान था, समझ आ भी गया होगा। अब साइक्लिसिटी का यूज कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है याद तो हो गया, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज। देखो 2^9 मेरा क्या था, 512, यानी आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता अभी यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास। सपोज करो आपको मैंने कह दिया 2^9 का यूनिट डिजिट बता दो मुझे, बट आई सेड कि टेल मी द यूनिट डिजिट ऑफ 2^9। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना आएगा, 4 आ गया। अब 2^9 है ना, अब इस 9 को डिवाइड करो 4 से, 9/4 करो, आपको फाइंड करना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। जो रिमाइंडर आ गया इसकी पावर के साथ खेल दो, 2^1, क्या 2 ही था आंसर, इजंट इट। सपोज कर कल को आ गया 3^243 का, बताओ मुझे यूनिट डिजिट क्या है, 3^243 का यूनिट डिजिट बताइए मुझे क्या है, कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू इट। सबसे पहले साइक्लिसिटी कितने, 3 की, 4। 243 को डिवाइड करो 4 के साथ, 243 को डिवाइड करो 4 के साथ, कितना आ गया, प्लस 3 बचा, 240 पे जाएगा, तो 3^3 कितना आ गया, 27, यानी 7 मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो होपफुली आज जिस भी स्टूडेंट का डाउट था क्लियर हो गया होगा, और पूरे तरीके से उम्मीद करता हूँ क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास आप डाउट भेजिए 9513771651 पे, कॉल या व्हाट्सएप करना प्लीज़ मत भूलिए, अगर कुछ पूछोगे जब भी डाउट क्लियर होंगे, अदरवाइज आज भी ब्लैंक है, कल भी ब्लैंक है, पेपर में भी ब्लैंक ही होंगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, क्लियर।
अगर आप एक कॉम्प्रिहेंशन कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स है बहुत अच्छा, जिसकी 4 डेज अभी क्लासेस हैं, टोटल 180 से ज़्यादा लेक्चर्स है, लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी आप अवेल करना चाहें आप अवेल कर सकते हैं। टोटल 190 लेक्चर थे, 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। प्रीवियस ईयर के इसमें 15 लेक्चर हैं। MCQ प्रैक्टिस सेशन के 50+ लेक्चर्स हैं। लाइव मेंटरशिप के कितने हैं, 30 लेक्चर्स हैं, क्लियर। और जो पोर्टल पे आपको लेक्चर मिलेगा स्टूडेंट्स, उसमें 3-4 चीज़ें मिलेंगी, PDF हो गया, रिसोर्सेज हो गया, आपका टेस्ट हो गया और आपकी प्रैक्टिस शीट होगी, क्लियर। रिसोर्सेज मैं बता दूं, थोड़ा सा खुल गया, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट है जो बेसिकली थ्योरी पार्ट होता है, क्लियर। और वीकली क्लास टेस्ट तो आपका हो ही रहा है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना, प्लीज़ मत भूलिए, क्लियर। और अब माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, इसके नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसे अभी कभी ज्वाइन कीजिए, क्लियर। और माइक्रो कोर्सेज कैसे, आप माइक्रो कोर्सेज को निगलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज हमारा वो तरीका है जिसके थ्रू पूरा कोर्स नहीं लेना, जो दिक्कत है जो परेशानी सिर्फ उसी को डील करना है, मतलब उसी चैप्टर को। सपोज कीजिए मुझे दिक्कत है नंबर सिस्टम में या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज, क्लियर। जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें, सबसे पहले ट्रेंड चेक करो, आपको पूछ कर रहे हैं जितने ट्रेंड चेक कीजिए। 2023 में 18 क्वेश्चन, अगर 80 क्वेश्चन का कोई पेपर है, 15 से 18 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, करो। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ क्लिक करो, मिल क्या रहा है पहले देख लेंगे, उसके बाद लेंगे। 11 लेक्चर्स हैं, 10 वेब नोट्स हैं, 435 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्लियर है की बात। ये जो 11 लेक्चर्स हैं क्या मिल रहा है, पहले 6 से 7-8 लेक्चर्स में आपको क्या मिल रहा है, थ्योरी पार्ट मिल रहा है। उसके बाद लास्ट के 3 से 4 लेक्चर में स्टूडेंट क्या मिल रहा है आपको, लास्ट के 3 से 4 लेक्चर्स में क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन नंबर सिस्टम के, वेब नोट्स, पूरा का पूरा थ्रेटिकल पार्ट है आपका, 435 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास हर एक चैप्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देखो ट्रेंड क्या बना हुआ है, 2022-23 में 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन थे इसमें, 6 क्वेश्चन आए थे 22 में, क्लियर होगी बात। लॉजिकल रीजन, एनालिटिक एबिलिटी पूरी ऐसी करवाई हुई है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखो क्या मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, 665 रुपये, ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको 1/3 क्वेश्चन बेसिकली चाहिए ना क्वालिफिकेशन के लिए, इतने ही क्वेश्चन देखो इंग्लिश में से आ रहा है, अभी खुलेगा देखना, जरा टेबल खुलेगा तो पता चलेगा आपको, थोड़ा सा समय लेगा। देखिए 26, 27, 25, 31 ये ट्रेंड चला हुआ है इंग्लिश का पिछले कुछ सालों का। तो अगर इंग्लिश में 15 क्वेश्चन हो जाए हमारे तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इंग्लिश को बहुत कैजुअली लेते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कैजुअली लेना छोड़िए। और कोई डाउट हो तो यहाँ पे क्या है, 10 डिज का मोबाइल नंबर डाल के काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, और ये हमारे सारे के सारे क्रैश कोर्सेज बैचेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं रिगार्डिंग द CSAT, क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारी पिछले साल की सिलेक्शन से, इस साल की सिलेक्शन आप देख चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 16 से लेके आ चुके हैं, आयान जैन ऑल इंडिया रैंक 16, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जुड़े रहे अभिमन्यु के साथ, और डाउट भेजते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।